जो जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि इतना दिन तो हम याद करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, फिर वो सुदान सबको, तो बाबा को कितना याद किया और किस तरीके से याद किया, किस विधि से याद किया, वो भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बच्चों का पेपर तिमाही छमाही और तो हर महीने टेस्ट होता है, तो सारे नंबर जुड़ते हैं। तो जो ब्रह्मा भोजन है, इसका बहुत 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 महत्व है। ज्ञानी बनना, योगी बनना, धारणा वाला बनना, लेकिन राजयुक्त बनना, ये बड़ा मुश्किल की सीढ़ी है। ज्ञान युक्त, योग युक्त, राजयुक्त बनना मुश्किल का काम है, धारणा युक्त भी बन जाएगी। इसीलिए ये बहुत बहुत जो किसी के दिमाग में आता है, किस भावना से आता है और कैसे बनाते हैं, तो बनाने वाले भी क्या प्रेम से, बैठने वाले भी। तो अब जब भोग लग रहा है, तो पहले जमाने में संत महात्मा ब्राह्मणों को भोजन जिमाते थे, तो लोग कुछ नहीं करते थे, तो सामने जाके भजन गाते थे। बचपन में जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, बहुत प्यार से वो भजन गाते थे और पंडित लोग भोजन को जीमते थे और कहते थे इनको देखने से पुण्य मिलेगा। जो ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं पंडित लोग, इनको देखने से पुण्य मिलेगा। ये किसी ने सुना है? सुना है किसी ने? नहीं सुना है, सब नई पीढ़ी के कहाँ से। तो शिव बाबा जब भोजन कर रहे हैं, भोग को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप सभी वतन में चलिए, ऐसे नहीं जो बहन जी यहाँ बैठी वही भोग लगाए, उनकी जिम्मेदारी है। सब लोग चलिए दे दे की दुनिया से पार, सूरज चांद सितारों से पार, और सब लोग सुख समतल में पहुंच जाइए और सभी बुद्धि से बाबा से दृष्टि लीजिए, नजर मिलाइए, शक्ति लीजिए, और ऐसे जैसे हमारी उपस्थिति में बाबा भोग स्वीकार कर। अच्छा, चलो बाबा के पास, ठीक है।